नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूँ रामरूप शर्मा और मैं आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स में कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए। राइट, 25th ऑफ दिस मंथ यानी कि सितंबर को आपका मैथमेटिक्स का सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम है। जिन बच्चों का भी कंपार्टमेंट है, जिन बच्चों को भी कंपार्टमेंट का एग्जाम देना है, तो वो मेरे इन क्वेश्चंस को करके जरूर जाएं और आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 100% आएंगे ही आएंगे। अब सवाल ये है कि क्या आप कहेंगे जी मेरी कंपार्टमेंट आई है, हमारी कंपार्टमेंट आई है, तो निश्चित रूप से हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन हो ही जाएगा। तो उसका मैं कुछ तरीके बता रहा हूँ, वो आप बहुत ध्यान से समझिएगा। राइट, चलिए, जैसे सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखें कि जो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमें 3 मार्क्स के और 4 मार्क के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हमें 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जरूरी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन ना करें, 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर करें, लेकिन क्योंकि वहाँ पर 1 मार्क के क्वेश्चन में 1 या 0 नंबर होता है, जो क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक है, 16 से 20 तक हालांकि हाफ नंबर होता है जो हमारा मार्किंग स्कीम है, यानी कि जो सेक्शन ए है आपके पेपर में, उसमें 1 से 15 नंबर के जो क्वेश्चन है वो या तो आपको 1 मार्क मिलेंगे या तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, और 16वें क्वेश्चन से 20वें क्वेश्चन तक आपको 0 भी मिल सकते हैं या हाफ भी मिल सकते हैं या फुल भी मिल सकते हैं, और 21 से लेके 26 तक वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, और 27 से लेके और जो अगले हमारे 8 क्वेश्चन हैं, नेक्स्ट जो 8 क्वेश्चन हैं वो हमारे 3 मार्क्स के हैं, और लास्ट के जो 6 क्वेश्चन हैं यानी कि 35 से लेके और 40 तक के जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क के क्वेश्चन है। राइट, तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि आपको ये निश्चित रूप से तय कर लेना है कि 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन चाहे हमारे सही हो जाएं, लेकिन हम उनके ऊपर, उनके भरोसे हम पेपर में पास नहीं होंगे, आप निश्चित समझ लें। ठीक है, चलिए, दूसरी जो बात है वो ये है कि आपको जो आंसर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं, जो आंसर आप अटेम्प्ट करेंगे, तो वो जरूरी नहीं है कि 100% वो आंसर आपका पूरा आंसर तक ही आए तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। आपके जो मार्क्स हैं, आपकी जो आंसर आपने दिए हैं, उसमें स्टेप मार्किंग होगी, 100% स्टेप मार्किंग होगी, तो आप आधा क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, हाफ आंसर करने की कोशिश करिए हाफ क्वेश्चन का, या 3/4 आंसर क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, और तीसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपकी पहली 5-6 लाइन है, पहली यानी कि फर्स्ट जो स्टार्टिंग की जो लाइन्स हैं, ठीक है ना, वो मैं आपको अभी चैप्टर वाइज बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन सी चीजों का ध्यान देना जरूरी है। फर्स्ट जो पहली जो लाइन्स हैं वो कम से कम 5 या 6 जो लाइन्स हैं वहां पर आपके आंसर के कम से कम आधे मार्क्स रखे हुए होते हैं, ठीक है ना, और सबसे लास्ट में फिर वही करेंगे कि हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, यानी कि जो भी हमें नहीं भी आता है तो वो लास्ट के आधे घंटे में हम जरूर करेंगे, यानी कि अटेम्प्ट ऑल। ये आप उस केस में करके चलिए। देखिए, मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो हम हर किसी हालात में हमें पास होना है, ठीक है ना। मान लीजिए कि सपोज करिए आपके 15 मार्क्स आपके इंटरनल एग्जाम में आ गए, अब आपको जरूरत है 18 मार्क्स की पास होने के लिए, क्योंकि 10th का जो पासिंग क्राइटेरिया है वो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल 33 या 33 से ज्यादा होना चाहिए। और सपोज करिए आपने जो ये जो अटेम्प्ट ऑल वाला सिस्टम आपने समझा नहीं और इनको करने पर आपके 17 मार्क्स आ गए, तो फिर भी आप 1 नंबर से रह सकते हैं, इसलिए अटेम्प्ट ऑल जरूर करिए। तो ये तो मैंने बात बताई है कि आपको कैसे कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। दूसरी वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में कितना टाइम लगना चाहिए। अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ, तो अच्छे तरीके से आप इन्हें नोट कर लो। आप सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 पर आ जाइए, जहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमें एस सी एफ फाइंड आउट करना होता है,
ठीक है ना, थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन होता है, उसके एग्जाम्पल भी कर लें, दो तीन क्वेश्चन कर लें, मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, तो वो क्वेश्चन आपको 2 या 3 नंबर का आ सकता है। थ्योरम के बेस पर क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन आपको कुछ भी आए, पहले 3 4 5 लाइन सेम होती है, थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज 1.3 से, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, √3 इरेशनल प्रूव करना है, या फिर 2 -5 √3, यानी कि इन क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं है कि यही क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर आएंगे, ठीक है ना, इरेशनल प्रूव करना वाला ये क्वेश्चन जरूर करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मैं 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन को बता रहा हूँ आपको, अगर आप इन्हें अच्छे से करेंगे तो उन्हीं में से आपके 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन भी आ जाएंगे। अब आगे सीधे चले जाइए आप एक्सरसाइज 2.2 पर, अगर कर सकते हैं तो। ध्यान रखना है मैं जो चीज़ें छोड़ रहा हूँ उसका रीज़न ये है कि वो चीज़ें एल्जेब्रिकल चीज़ें हैं, और जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आती है ऑलमोस्ट उनका एल्जेब्रा थोड़ा सा वीक होता है, तो मैं उसी लिए उन चीज़ों को कम करता हुआ चला जा रहा हूँ। 2.2 एक्सरसाइज जो है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर आप मिड टर्म ब्रेक भी जानते हैं, ठीक है ना, मिड टर्म ब्रेक भी जानते हैं, तो भी आप उसमें से 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में से 1 या 1.5 नंबर ला सकते हैं। नेक्स्ट जो है, सीधा आप चले जाइए, एक्सरसाइज छोड़ो, मैं सीधा बता रहा हूँ चैप्टर 3 और चैप्टर 4, ठीक है ना, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में एक ट्रेन वाला क्वेश्चन आता है, मैंने वीडियो डाली हुई है उसे कैसे अटेम्प्ट करते हैं, पहली 4 5 लाइन तो बिना कैलकुलेशन के ही हो जाती हैं, तो ट्रेन वाला क्वेश्चन है और एक एज वाला क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को करने के पैटर्न सीख लीजिए, केवल पैटर्न सीख लीजिए, ठीक है ना, ट्रेन वाला क्वेश्चन, एज वाला क्वेश्चन, और अगर आप कर सकते हैं तो 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन छोड़ो, चलो 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन मत करिए, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है ना। और मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि इस बारी जो पेपर आपका आना है वो थोड़ा सा इजी आ सकता है, अगर जब पेपर बनाया गया होगा, जरूर सोचा गया होगा आकर नहीं, और क्योंकि ये बात बतानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर बारी जो कंपार्टमेंट का पेपर है वो मेन पेपर से थोड़ा सा टफ ही आ रहा है। चलिए अब आ जाते हैं हम चैप्टर 5 पर। चैप्टर 5 में आप कहेंगे जी ये भी तो एलजेब्रा ही है, एलजेब्रा है, तो आप केवल क्वेश्चन को पढ़कर ये ध्यान कर लो, ये निकाल लीजिए कि हमें nth टर्म निकालनी है या सम ऑफ टर्म निकालनी है। देखिए nth टर्म निकालनी है या nth टर्म सम ऑफ टर्म निकालनी है, ये क्वेश्चन पढ़कर ही आपको समझ आ जाएगा। आप फॉर्मूला यूज कर दें इसका, वैल्यू पुट कर दें, कैलकुलेशन गलत होगी, गलत होने से पहले पहले आपको आधे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये मैंने स्ट्रेटेजी बताई आपके चैप्टर 5 तक की। अब मैं चलता हूँ चैप्टर 6 पर। चैप्टर 6 से अगर आप डर रहे हो तो मैं आपका डर पूरा हटा देता हूँ। चैप्टर 6 का करीब 7 मार्क्स का है, उसमें से 4 मार्क्स की थ्योरम ही आ जाती है, तो केवल रही कितने मार्क्स का गया, 7 मार्क्स का। मेरे चैनल पर चारों पांचों थ्योरम पड़ी हुई हैं, उन थ्योरम को आप 2 3 बारी लिख लीजिए, ठीक है ना। चैप्टर जो 7 है वो भी एक तरीके से एलजेब्रा की तरीके से ही होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना, लेकिन वहां भी मैं आपको बचा देता हूँ, आप सीधा एक्सरसाइज 7.1 पर जाइए और वहां पर क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन या उसके जैसे क्वेश्चन आप 2 3 बारी कर लीजिए, आपका इन्हीं में से एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। आंसर मैं आपसे निकलवा ही नहीं रहा, मैं तो केवल कह रहा हूँ आप X1 Y1 X2 Y2 ढूंढ लो, ठीक है ना, या P पॉइंट ढूंढ लो। इक्विडिस्टेंस के क्वेश्चन होते हैं ये, 1 पॉइंट 2 पॉइंट से इक्विडिस्टेंस होता है, ध्यान रखना है वो मिड पॉइंट नहीं होता है, और वहां पर फॉर्मूला पुट कर रखकर वैल्यू पुट कर दीजिए। अब मैं आपको चैप्टर 8 से पूरा हटा देता हूँ, मैं सीधा आ जाता हूँ चैप्टर 9 पर। मेरे आप चैनल पर जाएंगे तो वहां पर चैप्टर 9 के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, वहां पर जरूरी है कि सबसे पहले फिगर करेक्ट बन जाए, ठीक है ना। अगर आप 2 3 बारी हर एक क्वेश्चन की फिगर बना लेंगे, फिर उसके बाद में 2 ट्राइंगल आप वहां से देख लो, राइट एंगल ट्राइंगल ही लिए जाते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद में दोनों में आप टेन थीटा लगा दीजिए। मैं साइन थीटा कॉस थीटा के लिए बोल ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूँ सीधा आप टेन थीटा लगा दीजिए, और फिर भी आपका यहाँ ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, 4 में से 2.5 नंबर आपके निश्चित रूप से आ जाएंगे। अब सीधा चलते हैं हम चैप्टर 11 की तरफ। 11 में कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, तो उन्हें तो आप भाई जरूर कर लीजिए, ठीक है ना। अब चैप्टर 12 और चैप्टर 13 के, देखो 12 और 13 के हर एक एक्सरसाइज के पहले 5 क्वेश्चन कर लो, बस 5 क्वेश्चन। सरफेस एरिया वॉल्यूम के और एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूले आप 7th 8th 9th 10th चारों क्लासेस में पढ़ चुके हैं, वही फॉर्मूले अभी भी, केवल फ्रस्टम का फॉर्मूला अलग हो जाता है,
तो फर्स्ट टर्म का क्वेश्चन बहुत आसानी से आता है। इसके बाद में मैं चलता हूँ आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और वो है मेन मोड और मीडियन। 8 नंबर का चैप्टर है, बोलो ठीक है ना। और आप ये समझ लो कि मेन मोड मीडियन में से 3 में से 2 चीजें आपको आनी आनी है। अब यहां पर सवाल ये आता है कि आप ये कहेंगे कि जी आप ये बताइए कि क्वेश्चन तो बदल जाता है, हम ये वाला करके जाते हैं और ये वाला आ जाता है, ये वाला करके आते हैं तो ये वाला आता है। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो आप अपने दिमाग से निकाल दो कि आंसर आने पर मार्क्स मिलेंगे। सबसे स्टार्टिंग में जो हम टेबल बनाते हैं वहीं पर आपके आधे नंबर हो जाते हैं। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, देखिए 3 तरीके के क्वेश्चन मीन मोड मीडियन में होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट के XI हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है, FI दिया हुआ है। एक ये होता है कि क्लास इंटरवल तो दिया हुआ है लेकिन FI में एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। एक क्वेश्चन आता है कि क्लास इंटरवल तो वही है लेकिन फ्रीक्वेंसी में 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। तो आप सोचिए ही मत कि ये कौन से वाला क्वेश्चन है, आप ये सोचिए ये वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप उसको प्रॉपरली उसी तरीके से करते चले जाइए, 3-4 लाइन बाद में आप फंस जाएंगे, वहीं छोड़ दो। जब तक आप फंसेंगे जब तक आधे नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी तो भाई आपको अटेम्प्ट करनी करनी है। प्रोबेबिलिटी को करने का बहुत आसान तरीका है ना। प्रोबेबिलिटी को करने का बहुत आसान तरीका है कि आप जो है प्रोबेबिलिटी को करते करते, प्रोबेबिलिटी जब हम कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी को करते करते हम जो है वहां पर टोटल आउटकम सबसे पहले सीख लीजिए, ठीक है ना। टोटल आउटकम जैसे ही निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा दो, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा दो। अगर फेवरेबल आउटकम आपने सीख लिया तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर फेवरेबल आउटकम गलत भी हो गया तो भी आपके 2 में से 1 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप एग्जाम की तैयारी करें। 25 तारीख को एग्जाम है। आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए। और अगर आप पर्सनली क्लास लेना चाहते हैं तो हमारा एक राइज बैच चला हुआ है, वहाँ पर हम कंपार्टमेंट की डेली क्लासेस ले रहे हैं। 1000 रुपीज उसका चार्जेस है। तो आप हमें कॉल कर दीजिए, व्हाट्सएप नंबर हमने आपको दिए हुए हैं, उस व्हाट्सएप पर आप लिख दीजिए कि ज्वाइन मी ऑन द राइज बैच। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।